वो लोग जो इस्लाम का उपदेश लोगों को दे रहे हैं बड़े बड़े मंचों से, उनकी जिंदगी में इस्लाम कितना है वो झांक कर नहीं। कुछ गलत बात कही क्या? इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, ऐसे हजारों औरतें हैं। ये सिर्फ आदमी को मिलेगा, औरत को क्या मिलेगा? औरत को भी जो औरत चाहिए वो मिलेगा, औरत को पूरे मिलेंगे, औरत जो चाहेगी औरत को क्या मिलेगा? आप मुझे धमका रहे हैं, आप मुझे धमका रहे हैं। आस्था पर बात करोगे आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलत फहमी में खाली साहब। पूरी जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में? सुन लीजिए, पूरी जिंदगी नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती है? दोबारा बोलिए एक बार, एक बार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है 72 हुरें। अब इसी मूवी को लेकर डिबेट चल रही थी जिसमें मौलाना रशीदी ने सुबोही खान को कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद सुबोही खान को इतना गुस्सा आ गया कि अगर बीच में एंकर ना आया होता तो आज मौलाना रशीदी को अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ जाती। दोस्तों बनी रही है वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। गंभीर सवाल है जो जमीन पे चल रहा है, आप लोग उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां जा रहे हैं यही उपदेश दे रहे हैं कि देखिए ये करोगे तो जन्नत में जाके वो भी कुछ नहीं मिलेगा, हूरें जरूर मिलेंगी। हूरों पे ही फोकस क्यों है? एक बड़ी अजीब बात यह है आज के वक्त में, खास तौर से मीडिया में आने के लिए लोग, वो लोग जो इस्लाम का उपदेश लोगों को दे रहे हैं बड़े बड़े मंचों से, उनकी जिंदगी में इस्लाम कितना है वो झांक कर नहीं। कुछ गलत बात कही क्या उन्होंने? अरे उनकी अमली जिंदगी, उनकी अमली जिंदगी इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने कुछ गलत बात कही? इस्लाम क्या बात है? इस्लाम ये कहता है कि एक मुसलमान लड़का और लड़की हिंदू लड़के और लड़की से शादी नहीं कर सकता। आप व्यक्तिगत अच्छा, तो आप आस्था, नहीं ये आस्था है, ये मुकम्मल इस्लाम है, व्यक्तिगत नहीं है, ये आस्था है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, देश का कानून भी होता है मौलाना, इस्लाम मुसलमान के साथ ही मुसलमान की शादी जायज है। अगर हिंदू लड़के से या हिंदू लड़की से शादी होगी उसको अवैध माना जाएगा इस्लाम में, ये इस्लाम है। आपने जो उन्होंने सवाल उठाया इस्लाम है, उसका जवाब नहीं दिया। मैं किसी इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, ऐसे हजारों औरतें हैं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और ये हुरे सिर्फ आदमी के लिए होंगी, ये मेरा संवैधानिक अधिकार। जन्नत में सिर्फ हुरे हैं मतलब? ये मेरा संवैधानिक, जन्नत में सिर्फ हुरे हैं मतलब? सर सिर्फ नहीं, आप सिर्फ एक ही लोगों को लालच दिखाएंगे कि देखिए वहां जाओगे तो हुरे मिलेंगे। मैंने आपसे ये कहा कि जन्नत में जब मुसलमान जाएगा जो मांगेगा वो मिलेगा, जो इच्छा होगी वो मिलेगा, सिर्फ कहां से आ गया साजिद साहब? और ये सिर्फ आदमी को मिलेगा? ये सिर्फ आदमी को मिलेगा, औरत को क्या मिलेगा? औरत को भी जो औरत चाहिए वो मिलेगा, औरत को हूरे मिलेंगे, औरत जो चाहेगी औरत को क्या मिलेगा? सवाल एक चीज का है ही नहीं ना, एक चीज पे अगर हम आ जाए, अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया कि जो चाहो वो मिलेगा, तो एक चीज की तो बात ही नहीं है। अगर एक चीज की बात करें आप, एक चीज की बात, आप हूरों का वहाँ हर चीज मिलेगी? आप ये कह रहे हैं कि हदीस में कॉन्सेप्ट है हूर का, कोई नहीं ना, हूर मिलेगी किसको मिलेगी? हूर आदमी को मिलेगी, औरत को क्या मिलेगा? तो सैकड़ों हजारों चीजें एक ही बात पे क्यों अटके हुए हैं आप? नहीं तो औरत को क्या मिलेगा आप बता दीजिए ना, जो औरत चाहेगी। आदमी को हूर मिलेगी और औरत को औरत चाहेगी वो मिलेगा, औरत को क्या मिलेगा? कमाल की बात है, आप ये आप मानने को तैयार नहीं है। नहीं नहीं, कोई नाम तो दे दीजिए ना, ये कहती है कुरान, ये कहता है साहब, कोई नाम तो दे दीजिए, चाहेगा वो मिलेगा। आदमियों के लिए आपने हूरों का नाम दे दिया, खत्म हो गई। आदमियों के लिए हूर मिले, आदमियों के लिए आपने हूरों का नाम दे दिया, महिलाओं के लिए भी कोई नाम तो दिया होगा ना, कुछ तो होगा ना हूर की जगह नाम, वो नाम बता दीजिए। इच्छा अनुसार मिलेगा, क्या नाम होगा? जो भी इच्छा करेगी, हूर की जगह कोई नाम तो रखा होगा ना आपने उसका। हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन रशीद साहब वो आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरे हैं, अब जो महिला ने पूछा आपसे उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी, मतलब बड़ा एहसास कुछ हो सकता है औरत के लिए? आप बताइए, औरतों की सरदार बन रही हैं, इससे बड़ा एजाज क्या होगा भाई आपके लिए? मतलब अगर आप इसको एजाज ना समझे तो ना समझे। मैं आप बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ, मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा, मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाकर भी आपकी सेवा ही करें। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज आस्था पे चोट नहीं कर सकते नहीं, आप आस्था की आड़ नहीं ले सकते हमेशा, आप हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। मुद्दा नहीं, आप अपनी आस्था अपने पास व्यक्तिगत तौर पे रखिए। अभी हम एक मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं मानते हैं आप, पहले उनकी बात सुनिए। आप भी मानती हैं कि नहीं मानती? पहले उनकी बात सुनिए फिर आप बोलिएगा। नहीं मानती हैं? पहले उनकी बात सुनिए। आप मानती हैं कि नहीं मानती? सुन लीजिए, आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा साजिद साहब। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं, आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात, आप गलत फहमी में साजिद साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं भी डरने और आप वो जो मौलाना होंगे ना, जिन्हें डराने वाले लोग हैं उनको आप जाके डराइए। आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप मुझे सवाल पूछने से डरा रहे हैं। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ, आपकी आस्था आतंकवादियों से है,
आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है, उनको खुद अपने गिरफ्तार में आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है, मेरी नहीं है, तो फिर क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? सवाल पूछना कर रहा हूँ, मुझे सवाल तो पूछ रहे, पहले ही कंडम कर चुका, फिर सवाल कर रहे हैं, सवाल पूछ लीजिए ना, मुझे तो सवाल पूछ रहे, वो सवाल क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना, सीधे कंडम कर चुके, आप सीधे जवाब नहीं दे रहे। कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता, इस्लाम नहीं मानता उसको, मैंने मैं कह चुका, आप बार बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों कर रहे हैं? अरे तो आप किसी दूसरे से सवाल नहीं पूछ रहे, बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है उससे, क्यों नहीं मानते? आपको दिक्कत हो रही है उससे, आपको टीआरपी मिलेगी, टीआरपी नहीं मिलेगी इस देश में, दुनिया में तमाम लोग बम फाड़ के इसी वजह से मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी रोज मर रहे हैं, वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप, ये बात मैं कर रहा हूँ, खुले आलम कह रहे हैं ना ये बात, कह रहा हूँ मैं कश्मीरी की बात का। इन्होंने कहा कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड देना उसको मोटिवेट करने के लिए होता है, ठीक है? आप ये बताइए, मैं तिलक लगाती हूँ, नहीं नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए, कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज, मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी, मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से, उनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए, अच्छा सुनिए तो, चलिए चलिए, अरे और तो आप हर किसी को क्यों धमका देती है? दोबारा बोलिए एक बार, एक बार सुनिए, सुबह एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए, मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए, दोबारा बोलिए, मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा, जिना शब्द दोबारा बोलिए, चलिए अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोलिए, अपनी औकात पे जाइए, औकात पे जाइए, जिना शब्द बोल, इस्लाम ये अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा व्यवहार करेंगे, अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग व्यवहार करेंगे, इस्लाम ये आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप किसी महिला से किस शब्द का इस्तेमाल, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है, कानून किसी को भी, मुझे इजाजत दी है, संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है, अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार, मौलाना साहब ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान में कोई भी महिला किसी भी धर्म के पुरुष से शादी कर सकती है, प्रचार प्रसार भी कर सकती है, करिए ना प्रचार, तो आप किसी को गाली देंगे, आप किसी को गाली देंगे, शादी करेंगे आप किसी को गाली देंगे, कहता है वो जिना करेगी पूरी, साजिद साहब आप गाली देंगे किसी को? क्या मंच है आपके प्रचार का मंच नहीं है? धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं आप विद्वान है ना? स्कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता रहे हैं, आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप धमका रहे हैं, आप धमका नहीं रहे, आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लड़की गलत हिंदू लड़के से करेगी, सुनिए साजिद साहब, पूरी जिंदगी साजिद साहब ये आपके, आप ऐसे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते रहिएगा, मुसलमान नहीं आप ऐसे ही देश को बांटते रहिएगा, आप ही के जैसे लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे, राहुल 72 हूरों के खिलाफ रुक जाइए, टेक्स्ट करना गुनाह नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है, 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना गुनाह नहीं है, ये है आपकी गंदगी। मजा आया। दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।